लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ। तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई। मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला, हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रहे दो साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काफी छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है। बेटा यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक, हैव वी ऑल आर देयर विद यू। मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में सुने। तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट। मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यूर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ उस रिश्ते में या यू नो तो ठीक है, यू नो वी विल वर्क ऑन इट। मैं वापस चली जाऊंगी। और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन, मैं चली गई थी तो वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ। हमारी बात हुई सॉरी, लाइक ऐसे मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई। उसके बाद फिर करण का एटीट्यूड वॉज लाइक यू नो जब किसी से गलती होती है तो आप ट्राइंग टू मेक अप, यू आर ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट। वो सब करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, आई मेड अ व्हाट्सएप जस्ट फॉर मी एंड करण फॉर द लव प्रोजेक्ट। अभी बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पे ये चीज गलत हुई है। करण बिहेवियर ओवर द ईयर्स इन द लास्ट 14 ईयर्स, दिस इज नॉट न्यू। क्योंकि उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी अदर गुडी टू शूज जो भी इमेज बट इट्स डिफिकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं यू नो, ऐसे ये सब करके करियर्स पे अफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है। तो मैंने कहा ठीक है यू नो इट्स ओके। और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। यू नो शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे एज अ वुमन, बिकॉज आई एम अ स्ट्रांग वुमन ऑफ द 21st century। आई टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, आई टॉक अबाउट यू नो सो मेनी थिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो दैट सपोर्ट्स मदरहुड, यू नो मॉम शेमिंग, या फिर हमें राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए। कई बार मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज नॉट ओके।